हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं सिटीज चैनल। इस चैनल पर सीएनसी मिलिंग एंड टर्निंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड होता रहता है। तो आज से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। पहले मैं वीएमसी प्रोग्रामिंग कराऊंगा, तो बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वीडियो। आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, तो ये प्रोग्राम देखिए। आप लोगों को मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में कि इस प्रोग्राम को दिखाने के क्या मतलब है। तो चलिए प्रोग्राम को एक बार रीड करते हैं कि प्रोग्राम में क्या क्या है। देखिए, ये प्रोग्राम है बीएमसी मशीन का। इसमें O2000 ये हमारा प्रोग्राम नंबर है, फिर G0, G91, G28, Z0.0 इंडो ब्लॉक, ये हमारा मशीन होमिंग पोजीशन के लिए एक कोड यूज किया जाता है। G0, G91, G28, Y0.0, ये जेड में होम पोजीशन हो गया, ये हमारा वाई में हो गया। फिर उसके बाद G0, G90, G28, BX00, ये जो भी प्रोग्राम है ये रोटरी बेस फिक्चर का है। जिस मशीन पे बेस लगा रहता है, यानी कि वो जो बेड पे डायरेक्ट फिक्चर माउंट है, मान लीजिए हमारा फिक्चर है, ये हमारा बेस है, तो बेस पे जो माउंट है ये फिक्चर, तो इसमें हमारा बी एक्सिस का कोई पर्पज नहीं होता है। लेकिन जब हमारा रोटरी पे होता है, मान लीजिए कि ये रोटरी है, ये हमारा फिक्चर है, तो इसके लिए हमको एक्सिस होता है, इसमें ये हमारा 4 एक्सिस हो जाता है, जो कि बी और ए से करते हैं। किसी में बी एक्सिस होता है, किसी में ए एक्सिस होता है, ये हमारा 4 एक्सिस होता है जो कि घूमता रहता है ऐसे ऐसे, मतलब एंगल में। तो होता क्या है कि इसको जीरो कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हमको 0 डिग्री पे बनाना है, तो 0 डिग्री पे एकदम ऐसे हमारा पिक्चर फ्लैट हो जाएगा यहां से, तो यहाँ पे हमारा जो भी ऑपरेशन होगा वो 0 डिग्री पर, 180 जो 180 हो गया, 90 हो गया, तो अपने हिसाब से एंगल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो पहले उसको भी जीरो कर लेते हैं। उसके बाद है N10, ये हमारा सीक्वेंस नंबर है। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल पे जाके वीडियो में देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। उसके बाद है N10, ये सीक्वेंस नंबर है। दूसरी बात, ये ड्रिल है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई सा चीज हो, ड्रिल हो, कटर हो, रिमर हो, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चीज है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो हमारे ये कोस्ट का है। अगर छोटा ब्रैकेट यानी छोटा कोस्ट यूज करते हैं, तो हमारा मशीन उस जो भी उसके अंदर डाटा लिखा हुआ, ये डाटा जो भी लिखे या कुछ भी लिख दीजिए, उसको रीड नहीं करेगी। अगर आप ये बड़ा कोस्ट लगा दिए, मशीन इस वैल्यू को रीड कर लेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है M06 T01, मतलब मशीन को टूल को कॉलिंग किया गया, टूल नंबर एक, जो भी मैगजीन में टूल एक लगा उसको मशीन स्पिंडल में लोड करेगा। उसके बाद है G0, G90, G51, X00, Y00। इसमें G0, G90 ये एब्सोल्यूट हो गया, ये हमारा वर्क पीस कोऑर्डिनेट हो गया, हमारा XY कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसमें इसका कहने क्या मतलब है, मान लीजिए एक पिक्चर में 3 स्टेशन हो सकते हैं। मान लीजिए हमारी ये पिक्चर है, इसमें एक स्टेशन यहाँ, एक स्टेशन यहाँ, एक स्टेशन यहाँ है। तो इसमें होता क्या है कि हम कैसे जानेंगे कौन सा 54 है, कौन सा 55 है, तो हम उसको इसकी WPC जब लेते हैं तो हम आइडेंटिफाई कर देते हैं ये हमारा 54 है, ये 55 है, ये 56 है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको मान लेते हैं। अब यहाँ X00 YY00, यहाँ इसको मान लीजिए हम 54 मान लिए, इसको 55 मान लिए, इसको 56 मान लिए, तो क्या होगा, X0 Y0 मान लीजिए कि ऑफसेट कहीं से भी ले सकते हैं, ऑफसेट कहीं से भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि
हमारा एक जो बूस है उसका होल ये है, तो हम यहां से भी ऑफसेट लेके इसको मान सकते हैं, यहां से भी मान सकते हैं, या इसकी जो भी आईडी है या सेंटर है उसको भी डायल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 54 हो जाएगा। तो देखिए यहां पे नीचे आते हैं तो M08 है, ऊपर चलता हूं तो M08 कूलेंट ऑन हो जाएगा हमारा मशीन में। उसके बाद है G0, G90, G54, X50, Y50। तो इसमें अगर यहां से अगर कोऑर्डिनेट बनाता या इसको सेंटर डायल कर लिए, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको, डिटेल से समझाऊंगा क्या होता है। यहां चलते हैं, मान लीजिए इसका सेंटर डायल कर दिया, लोकेटर डायल कर लिया, कुछ भी जब डायल हो जाएगा तो अब हमारा ये पॉइंट जीरो हो गया, ये वाला, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, सॉरी ये एक्स ये वाई हो गया। तो यहां से एक्स में 50 यानी इधर 50 जाएंगे और वाई में 50। तो अब हमारा जो भी ड्रिल बनेगा वो कहां बनेगा, इस पॉइंट पे आके बनेगा, इस पॉइंट पे हमारा ड्रिलिंग होगा। जो भी कोऑर्डिनेट मशीन में अगर ये 54 मान के इसको वर्क ऑफसेट में 54 के जो भी रीडिंग आई उसे डाल दिए हैं तो ये हमारा यहां बनेगा। उसके बाद है G0Z75, मतलब हमारा टूल 75 ऊपर आके रुक जाएगा। मान लीजिए ड्रिल करना तो 75 अपने जहां जीरो मान रखा है वहां से ऊपर आके रुकेगा। उसके बाद है VM03S 6000, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल 6000 का आरपीएम से घूमेगा। उसके बाद G0Z.5, अब ये जो 75 रुका था अब ये 5 एमएम ऊपर आके रुक जाएगा। उसके बाद है G0Z-5.0, मतलब 5 एमएम डेप्थ बनाना है इसको, फिड रेट इतना के पे ये चलेगा। अगर स्पिंडल स्पीड और फिड रेट सेलेशन वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे पड़ा है, जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद है G0Z75.0, यानी टूल अब हमारा फिर मैंने ये कंप्लीट करने के बाद होल करने के बाद ये फिर वापस ऊपर चला जाएगा प्लस में, कूलेंट बंद हो जाएगा। M05 जब होगा तो हमारा स्पिंडल स्पीड ऑफ हो जाएगा, सॉरी स्पिंडल रुक जाएगा, ऑफ हो जाएगा। उसके बाद G0, G91, G28, Z, फिर होमिंग पोजीशन और फिर जेड का वाई का। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, पहले वाई का होमिंग पोजीशन मत दीजिएगा, पहले एक्स जेड का देंगे, जेड का देंगे तो हमारा टूल ऊपर चला जाएगा और वाई में, वाई बाद में देंगे उसके बाद हमारा पिक्चर आएगा। नहीं तो क्या होता है कभी कभी टूल का लेंथ ज्यादा होने चलते और वाई दे दिए तो पिक्चर हमारा आएगा, जेड वहीं पे खड़ा है मान लीजिए तो वाई है, तो पहले जेड को होम पोजीशन दे देंगे उसके बाद वाई को देंगे। तो इससे ये होगा कि हमारा जेड पहले ऊपर चला जाएगा, वाई के बाद फिर पिक्चर अपने होम पोजीशन पाएगा। तो कभी कभी ये होता है कि टूल का लेंथ ज़्यादा होने के चलते अगर जेड हम होम पोजीशन नहीं देते हैं, वाई पहले दे देते हैं, टूल पिक्चर से टकरा के टूट सकता है, ब्रोकन हो सकता है। उसके बाद है M01 ऑप्शनल स्टॉप, M30 प्रोग्राम एंड। तो इस प्रोग्राम को समझाने और बताने का पर्पज ये था कि हमारे जितने इसमें कोड यूज हुए हैं, ये सिंपल प्रोग्राम है, एक सिंपल प्रोग्राम है, तो इसमें जितने कोड यूज हुए हैं जैसे आप देख रहे हैं इधर G90, G28, G91, सॉरी और 28 और यहाँ G54,
ये जितने कोड यूज हुए हैं ना, ये ऑलमोस्ट 80% प्रोग्राम यूज होते हैं। तो ये मेरा बताने का पर्पज ये है कि पहले जितने ये जो 80% वाले हैं उनको पहले हम लोग देखेंगे, इससे हमको ये बेनिफिट होगा कि आगे प्रोग्राम समझने में बहुत हमको आसानी हो जाएगा। 20% बहुत होते हैं जो, मतलब 20% जैसे प्रोग्राम होता है, ड्रिलिंग हो गया, टेपिंग हो गया, बोरिंग हो गया, तो 20% के अंदर आते हैं भाई। 80% ऑलमोस्ट यही सब सिंपल प्रोग्राम के यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।